प्लस यहाँ पर इसमें ये आपको हुक सिस्टम दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके के हुक दिए हुए हैं, ये आप इस तरीके से लगाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। प्लस ये स्लीवलेस है फ्रेंड्स, बट मैं आपको इसमें एक चीज सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप इसको वेयर करिएगा तो आप इसमें जरूर फैब्रिक जो भी स्लीव का दिया हुआ है आप उसको लगवा लीजिएगा, बिकॉज मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने इसे स्लीवलेस वेयर किया था। तो ये आप देख सकते हैं कॉर्नर पर जो इसके जो सीक्वेंस है ना, ये मुझे काफी चुभे थे, काफी प्रॉब्लम मुझे क्रिएट किया था। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि जब भी आप इसको वेयर करें तो आप स्लीव जरूर अटैच करवाएं, चाहे आप इसी की स्लीव अटैच करवाएं, चाहे आप कोई भी नेट या कोई भी फैब्रिक ऐड करवाना चाहते हैं स्लीव पर, तो डेफिनेटली आप उसको वेयर अटैच करवाकर ही वेयर करें। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये पैडेड ब्लाउज है, और अगर मैं इसकी लाइनिंग की बात करूं तो ये कॉटन की लाइनिंग है इसमें दे रखी है, और कोई भी मुझे इसमें वैसे और कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था जब मैंने इसको वेयर किया था, बट जो भी प्रॉब्लम थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आप उसको वेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो प्राइस था, जो एमआरपी था, मुझे याद नहीं है, वो मैं यहाँ अटैच कर दूंगी पिक्चर की, तो आप वहां से आप देख लीजिएगा। बट ये मुझे अराउंड जो मुझे डिस्काउंट पर मिला था वो मुझे अराउंड 399 का मुझे ये मिला था। तो आप देखेंगे ना ये ब्रॉकेट सिल्क है और बहुत ज्यादा अच्छा फैब्रिक है, और क्लोजली देखें कि कितना ज्यादा नीटली इस पर सीक्वेंस का वर्क हो रखा है, कहीं से भी आपको कुछ भी कोई भी कंप्लेंट नहीं रहेगी कि इसमें ये सीक्वेंस निकल रहे हैं या झड़ रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा परफेक्ट तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ है फ्रेंड्स। तो ये भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँ। फर्स्ट जो साड़ी होने वाली है ये एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सी प्रिटी सी खादी आर्ट सिल्क में ये साड़ी है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर मैं यहाँ इंसर्ट कर दूंगी। और फ्रेंड्स आप ये साड़ी मुझे इस तरीके से मिली है, पहले मैं इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, जो एमआरपी है वो 1599 है, बट फ्रेंड्स ये जो साड़ी मुझे रिसीव हुई है ना ओनली 399 में रिसीव हुई है। कैन यू बिलीव, खादी वो भी इतना ब्यूटीफुल फ्लोरल प्रिंट में आपको इस प्राइस में मिलेगी। और फ्रेंड्स बिलीव मी, इसमें जो आपकी शाइनिंग देख सकते हैं ना वो शाइनिंग ऐसे ही है, और मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये आप देखिए फ्रेंड्स, वाओ, ये आप देख सकते हैं बॉर्डर पर इस तरीके से ये गोल्डन कलर की स्ट्राइप्स दी हुई है, ये इसी में ही है, अलग से नहीं है, और ये पूरा ही फ्लोरल प्रिंट है। ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ब्लाउज पीस भी इसी में ही अटैच है और साड़ी फुल है। ये मत आप सोचेगा कि इस प्राइस में आपको साड़ी शॉर्ट मिल रही है या साड़ी की लेंथ कम है, बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स। ये जितने भी प्रोडक्ट्स है ना ये कोई भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स नहीं है, ये खुद मैंने अपने लिए परचेज किए हैं और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सर आपको जो दे रखा है ये आपका पल्लू पोर्शन रहेगा, ये आप देख सकते हैं, और इस तरीके से आपकी ओवरऑल ये आपकी साड़ी रहेगी। बॉर्डर पर इस तरीके से आप देख सकते हैं ये गोल्डन कलर की स्ट्राइप्स दी हुई है, प्लस ये साड़ी आपको ये पूरे ही पीच कलर में ये साड़ी है, और ये इस तरीके से आप देख सकते हैं नीचे भी आपको इसी तरीके से ये गोल्डन कलर की स्ट्राइप्स दी हुई है। तो फ्रेंड्स पूरी ही साड़ी आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये जो फैब्रिक दिया हुआ है ये ब्लाउज का फैब्रिक है, पीच कलर का ब्लाउज भी आपका 0.80 मीटर का ब्लाउज दिया हुआ है। और फ्रेंड्स इतनी कंफर्टेबल ये साड़ी है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं, इतनी लाइट वेट है, इसे आप इजीली पार्टी में आप इसको वेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक अच्छी सी ज्वेलरी आप इसके साथ वेयर करेंगे तो डेफिनेटली ये पार्टी वेयर, प्रॉपर पार्टी वेयर लुक आपको देगा, और आप चाहे तो इसे डेली वेयर में भी पहन सकते हैं या छोटे मोटे कोई ओकेजन हो आप उसमें भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इतनी ज्यादा कंफर्टेबल ये साड़ी है, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो इसमें शाइन पिक्चर में दिखा रहे हैं ना वो मुझे नहीं मिलने वाला, बट गाइज जब मुझे ये रिसीव हुआ ना आई वॉज शॉक्ड कि अच्छा 399 में आपको इतना अच्छा आपको शाइन भी मिल रहा है, फैब्रिक भी मिल रहा है, और सबसे फ्रेंड्स डेफिनेटली मैं इसको आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इसे 100% आप इसको परचेज कर सकते हैं, आप चाहे विदाउट एनी डाउट। तो फ्रेंड्स इसमें 3 कलर ऑप्शंस थे, एक तो ये पीच कलर है और एक ग्रीन कलर भी है, कलर है लाइट ब्राउन कलर। इस साड़ी को आपके लिए हाईली रिकमेंड करूंगी, आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक ब्यूटीफुल सी साड़ी है, वो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी फ्लोरल प्रिंट में है और ये जॉर्जेट इसका फैब्रिक है फ्रेंड्स,
और इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आपने आई थिंक साड़ी देखी भी होगी, ये इस तरीके से आपको लेस दी हुई है। मैं साड़ी ओपन करके दिखाती हूँ। या फैब्रिक देखिए फ्रेंड्स, कितना ज्यादा कंफर्टेबल इसका फैब्रिक है, जॉर्जेट इसका फैब्रिक है, फ्लोरल प्रिंट है इस पर रेड और ग्रीन कलर के। ये आप क्लोजली आप देख सकते हैं, इस तरीके की आपको लेस दी हुई है पूरी ही साड़ी में। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका फॉइल मिरर लगे हुए हैं इस पर, और पूरी ही साड़ी ये आपको इस तरीके से दी हुई है साड़ी, ये देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और कंफर्टेबल इसका फैब्रिक है। आप इसको जैसे मर्जी पहनिए, जैसे मर्जी इसको वॉश करिए, ये बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होने वाली है। इसका फैब्रिक आप देख ही रहे हैं, कितना ज़्यादा स्मूथ इसका फैब्रिक है, आप ये देख सकते हैं। जॉर्जेट इसका फैब्रिक रहने वाला है फ्रेंड्स। और ये आप देखेंगे, आपका यहाँ से ये इस तरीके का लेस आपको स्टार्ट हो जाती है, और इस तरीके से ये आपको पल्लू पोर्शन पर, पूरे ही पल्लू पोर्शन पर आपको ये इस तरीके से लेस दी हुई है। यहाँ पर भी आपको ये लेस दी हुई है, और नीचे भी आपको इस तरीके की लेस दी हुई है फ्रेंड्स। इसमें ब्लाउज पीस अटैच था, ब्लाउज का जो फैब्रिक था वो ब्लैक कलर का फैब्रिक था, और उस पर ब्रासो, आपने सुना होगा ब्रासो का हल्का फुल्का थोड़ा सा वर्क था उस पर, सेल्फ में वर्क था, तो उसपे भी इस तरीके का कॉर्नर पर, बैक साइड पर ऐसी ही लेस दी हुई थी। एक्चुअली ब्लाउज मैंने स्टिच होने के लिए दे रखा है, तो बहुत जल्दी मैं अपना ब्लाउज का हॉल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसके साथ जो मैंने वेयर किया हुआ है, आप वीडियो में देख ही सकते हैं, मैंने ब्लैक कलर का प्लेन ब्लाउज वेयर कर रखा है, जो मैंने मीशो से परचेज किया था। तो फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा इसका लुक आने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी एज ग्रुप के लिए है ये साड़ी। अच्छी बात जो मुझे इस साड़ी में लगी कि आप ये फैब्रिक देखिए, कितना मक्खन जैसा इसका फैब्रिक है, कितना ज्यादा इसका स्मूथ फैब्रिक है। और समर पर्पस के लिए तो फ्रेंड्स ये बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज इसमें बहुत सारी साड़ीज में होता है ना कि उसको आयरन करो, और आयरन का झंझट रहता है, और ड्राई क्लीन का झंझट रहता है। इसमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप जैसे मर्जी वॉश करिए, हैंड वॉश करिए, मशीन वॉश करिए, ड्राई क्लीन ऑप्शन नहीं है ये। और बहुत ज्यादा ग्रेस आ रहा है इसको पहनने के बाद। और सबसे अच्छी बात और ये है फ्रेंड्स इसमें कि ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है। ये मुझे 549 में मुझे मिली थी। इसका प्राइस भी मुझे याद नहीं है, मैं यहाँ स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी जो इसका एमआरपी है, बट ये मुझे इतना याद है, मुझे जो ये साड़ी मुझे रिसीव हुई है वो 549 में रिसीव हुई है। आपको हाईली रिकमेंड करूंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट साड़ी जो हमारी होने वाली है वो एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सी कॉटन प्लस टिश्यू मिक्स ये साड़ी है। ये आप देख सकते हैं गोल्डन बेज कलर इसका कलर है, और कितना ज्यादा शाइन कर रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्यारा है इसका। दिखाती हूँ, ये आप देखिए कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल ये साड़ी है फ्रेंड्स। साड़ी की लेंथ फुल है इसकी भी, और इसमें भी ब्लाउज अटैच है, 0.80 मीटर का ब्लाउज इसमें दिया गया है। ये आप देख सकते हैं ये साड़ी का ब्लाउज है, ये क्लोजली आप देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें गोल्डन कलर की ना, अगर आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बारीक, बहुत पतली पतली सी गोल्डन कलर की इसमें लाइनिंग्स दी गई हैं, और पूरे ही इसी तरीके के ब्लाउज पर इसी तरीके की लाइनिंग्स हैं। यहाँ से आपकी साड़ी स्टार्ट होती है, ये आप देख सकते हैं गोल्डन कलर का इस तरीके का आपको स्ट्राइप्स दिया हुआ है, और पूरे ही साड़ी में आपको ये आप देख सकते हैं नीचे भी इसी तरीके का गोल्डन कलर का स्ट्राइप आपको दिया गया है, और पूरी साड़ी इसी तरीके से है। इस साड़ी में ना फ्रेंड्स एक शाइन है इसके अंदर ना, आप इसको वेयर करेंगे तो एक रॉयल लुक इसको इसमें आने वाला है, प्लस एलिगेंट लुक इसमें आएगा। पर्सनली मैं आपको बताऊं तो फ्रेंड्स मुझे इतना ज्यादा पसंद है ये जो कंट्रास्ट है, गोल्डन प्लस क्रीम कलर का, ऑफ व्हाइट कलर का जो कंट्रास्ट है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक रॉयल लुक आता है पहनने के बाद। तो आप देख सकते हैं पूरी साड़ी इस तरीके की है, और इसके पल्लू की मैं बात करूं तो ये आपका पल्लू पोर्शन है फ्रेंड्स, इतना ही आपका पल्लू पर, ये आपको पल्लू पर भी इसी तरीके से गोल्डन कलर की स्ट्राइप्स दी हुई है, आप देख सकते हैं। आप इसको वियर करेंगे ना तो एक रॉयल लुक आने वाला है, एक एलिगेंट लुक आने वाला है, बिकॉज इस कलर का जो साड़ी होती है ना, ये आप अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन होने वाला है, और अगर आप ऑफिस के लिए भी अगर आप इसको वियर करना चाहते हैं ऑफिस में भी, तो ऑफिस में भी वियर करने के लिए, और
इसको वेडिंग में भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली मैं इसको हाईली रिकमेंड करूंगी। इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, एक शाइन है, मतलब ऐसा कॉटन नहीं है, डल वाला कॉटन नहीं है, कॉटन भी प्योर कॉटन ही है। कॉटन में ना एक 399 में बहुत अच्छा फैब्रिक है, बहुत स्मूथ है, और पहनने पर ही मुझे ऐसा हैवी हैवी लुक नहीं आ रहा, बहुत खड़ा खड़ा वाला लुक नहीं आ रहा। बट हाँ, आप इसको अगर प्रॉपर पिनअप के साथ आप पहनेंगे, प्रॉपर प्लीट्स बनाकर आप पहनेंगे, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा वाला लुक आने वाला है। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा हॉल। आप मुझे बताइएगा आपको साड़ी और ब्लाउजेस का कलेक्शन कैसा लगा। और फ्रेंड्स जाने से पहले मैं आपसे प्लीज यही बोलना चाहूंगी कि फ्रेंड्स मैं आपके लिए बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मैं आपके लिए आउटफिट्स लेकर आती हूँ, फैब्रिक लेकर आती हूँ, साड़ीज लेकर आती हूँ, ड्रेसेस लेकर आती हूँ। तो प्लीज उन सबको देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे चैनल को लाइक भी करना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत भी अगर मेरी इन वीडियोस से आपको हेल्प मिलता हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ उसको जरूर शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके, अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस उनको भी मिल सके। और ये ना मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग मेरी वीडियोज को पसंद कर रहे हो, लाइक कर रहे हो। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और आपको किस टाइप की वीडियोस आपको देखना है, क्या आपको किस तरीके का आपको ड्रेसेस आपको पसंद है, क्या क्या ड्रेसेस आप देखना चाहते हो। और कोई भी अगर आपको पसंद आए या किसी भी प्रोडक्ट का आप लिंक अगर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और सभी के जो प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस हैं फ्रेंड्स, वो मैंने स्क्रीन पे भी मेंशन कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने सभी प्रोडक्ट्स के लिंक वहां पर शेयर कर दी हैं। प्लस ये जो मैंने कुर्ती और ये जो मैंने डैंगलर्स वियर किए हुए हैं, इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसका वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसको चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।